नमस्कार, फ्लाई हाई विद अनीता गौतम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपनी दोनों बेटियों के साथ बाहर घुमा ला। जी हाँ, मैं अपनी बेटी के साथ बैठी थी और हम लोगों ने प्लान किया कि चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। तो बाहर घूमने का मतलब हुआ खाना पीना। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चल के कुछ खाया जाए बाहर में। घर का खाना तो रोज खाते हैं और देखती हूँ कौन सा रेस्टोरेंट में हम लोगों को जाना है। चूंकि मैं हमेशा ये बताना नहीं भूलती हूँ कि मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, थोड़ा सा मेरा कुकिंग पार्ट जो है वो वीक है, इसलिए मुझे हमेशा अपनी बेटी को अच्छा खिलाने के लिए कोई रेस्टोरेंट में ही जाना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। चूंकि बेटी के साथ मुझे निकलना था, इसलिए मैंने ऐसा डेस्टिनेशन डिसाइड किया जहाँ हम लोग वॉक करते हुए पहुंच जा सकते। हम लोग जहाँ पहुंचे तो सोचने विचारने के बाद हम लोगों को लगा कि चलो बहुत सारे रेस्टोरेंट तो होते हैं, कुछ ऐसा रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया जाए जो थोड़ा डिफरेंट हो। तो एक देसी वाइब्स, बिल्कुल देसी स्टाइल में वो बना हुआ था पूरा रेस्टोरेंट। और बाहर में इतनी भीड़ थी, वहाँ पे काफी लोग वेट कर रहे थे, यानी वहाँ लाइन लगी हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत फेमस या नेम एंड फेम वाला रेस्टोरेंट रहा होगा। का जो स्पेशल ये था कि वहाँ डिजाइनिंग थी वो बिल्कुल रूरल डिजाइनिंग की हुई थी, वो अपने आप में एक अल्टीमेट था। क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे थे तो हम लोग भी पहुंचे, उसके बाद पता चला कि सारे टेबल फुल है। तो फिर इस तरह से करके हम लोग बेंच पर बैठ करके हम लोगों ने वेट करने का सोचा कि नहीं चलो खाएंगे तो यहीं पर। मैं अपनी बेटी के साथ बैठ करके इस तरह से वेट कर रही थी, थोड़ी देर अपना मोबाइल चलाया। बस थोड़ी देर 15-20 मिनट के बाद हम लोगों को अंदर जाने की इजाजत मिल गई। और मैं बता दूं कि मैं जिस तरह से वेट कर रहे थे वैसा लग रहा जैसे हम लोग किसी हॉस्पिटल में आए हुए हैं, और जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता है ना वहाँ पे बैठ के वेट करते हैं, उस तरह से हम लोग का वेट करना पड़ता है। ये अच्छा लगता है कि चलो बाहर में खाने वाले लोग अभी भी बहुत इंजॉय करते हैं। एक संडे होता है, चूंकि उस दिन संडे भी था। होटल के बिल्कुल सामने फुटपाथ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था वर्ल्ड हंगर डे। और वैसे मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि बच्चे फुटपाथ पर लेटे हुए थे जो शायद भूख और गरीबी से जूझते हैं उनको सेलिब्रेट करना था, या अमीर लोग जो सक्षम लोग हैं वो भूखे रहकर ये समझेंगे कि भूख वास्तव में क्या होती। करीब 10 मिनट के बाद ही हम लोगों का नंबर आ गया, और जब हमारा नाम बुलाया गया तो हम लोगों ने हंगर डे को भूलकर खाने की टेबल पे हम लोग पहुंच गए। यहाँ आप देखिए कि एक तरफ हंगर डे था, चलिए कोई नहीं, फिर इधर खाने की टेबल सजी हुई थी। हम लोगों ने मेन्यू से अपने लिए खाना सेलेक्ट किया, बहुत ज्यादा चूजी नहीं हम लोग खाने में, बहुत सिंपल सा खाना हम लोग का होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब इजी जो भी आसानी से समझ में आया वो हम लोगों ने ऑर्डर किया। अच्छा लग रहा था कि वो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में बना हुआ होटल था, तो ये रेस्टोरेंट की बहुत खूबसूरती थी। से जो पीछे से लोग आगे की तरफ जुड़ रहे हैं, नहीं आप आगे एक तरफ चांद की तरफ भी बढ़िया, मंगल ग्रह पे भी जाइए, लेकिन पीछे मुड़कर देखिए कि हमारा गांव, हमारे घर परिवार कैसे हुआ करते थे, उनके खाने पीने का क्या था, ये सब कुछ को एक रेस्टोरेंट ने बहुत सहेज कर रखा हुआ है। तो ये चीज़ मुझे बहुत आकर्षित कर रही थी और अच्छा लग रहा था। शायद वहाँ जो भी लोग होंगे यही वजह थी कि उस रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़। खाने पीने के बाद हम लोगों ने पेमेंट किया, पेमेंट करने से जाहिर सी बात है खाने के बाद आपको पेमेंट ही करना है। पेमेंट करके फिर हम लोग सड़क पे आए, सड़क पे सन्नाटा थोड़ा, मतलब भीड़ कम हो गई थी चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और फिर वहाँ से हम लोग वॉक करते हुए निकल गए घर के लिए। चलिए, आप लोग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।